पागल हो तुम या फिर मुझे पागल समझ रही हो? कब तक इंतजार करना होगा मुझे? मेरा भाई किस हालत में, मुझे क्यों नहीं बता रहा कोई? जनाब पुरसुकून हो जाइए, आपके भाई को अंदर टांके लग रहे हैं। अगर उसे कुछ हुआ तो इस अस्पताल को तबाह कर दूंगा मैं। बराए मेहरबानी आहिस्ता बोले, ये एक हॉस्पिटल है, आप मरीजों को परेशान कर रहे हैं। मैं गत्थाने से हूँ समझी, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हुआ तो खुदा की कसम तुम्हें काट दूंगा मैं। फॉरेन गार्ड्स को बुलाओ, आप अपना चाकू पीछे करें। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। क्या किया है मेरे भाई के साथ, सच बताओ। चाकू दूर रखें आप, बताओ क्या किया उसके साथ। भाई प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तू कौन है भाई, खुद को बड़ा बदमाश समझता है? अभी बताता हूँ तुझे, ये ले, तू तो गया। छोड़ मुझे, छोड़, तुझे समझ नहीं आ रहा, मारा जाएगा, छोड़ मुझे, मैं मार दूंगा तुझे। आप जख्मी हो गए हैं, फौरन बैंडेज करना हो। कोई बड़ी बात नहीं। हरगिज नहीं, टांके लगने की जरूरत है, आइए। यहाँ बैठे। क्या आप अपनी शर्ट उतार देंगे प्लीज? जरूरत नहीं थी वैसे इसकी, शुक्रिया। क्या आप पुलिस ऑफिसर हैं? आर्मी से हूं। बहुत से जख्म हैं। अभी तक जिंदा हूं, यही बहुत है। आप कहां तैनात हैं? काराबाहर में, फिलहाल छुट्टियों पर हूं। मैं जख्म सीने लगी। ठीक है, आपको दर्द नहीं हो रहा? अब तकलीफ का एहसास नहीं होता, इससे ज्यादा गहरे जख्म लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप हॉस्पिटल के सामने दिखते हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो? अपना कोई रिश्तेदार खो दिया है? मेरी मगेतर, उनकी डेथ हो गई है क्या? अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे। मैं उसे अपनी जान से बढ़ के प्यार करता था। आप यही इंतजार कीजिएगा, मैं अभी जाकर आती हूं वापस। यहीं पर तो रखा था मैंने। नाजरीन, अहम खबर से आपको आगाह किया जाता है कि पुलिस ने प्रेस को कोसे नामी दहशतगर्द की तस्वीर दे दी है, जिसने इस अगवा को सरंजाम दिया है, और ये है उस दहशतगर्द की तस्वीर। इस दहशतगर्द पर 300,000 लीरा इनाम है। इस दहशतगर्द को पहले भी 3 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, ये सबसे अहम लिस्ट में शामिल है, इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।